सिद्धार्थनगर में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र नाथ पांडे निकाय चुनाव में किस्मत आजमा रहे बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में चुनावी सभा में पहुंचे, जहां महेंद्र नाथ पांडे ने जनसभा को संबोधित करते हुए बसपा व कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। वहीं उन्होंने कहा है कि लोगों का बीजेपी पर विश्वास बढ़ा है, 18 राज्यों में हमारी सरकार है और भारी मतों से बीजेपी की जीत होगी। मीडिया द्वारा पूछे गए सवाल में कानपुर में ईवीएम की गड़बड़ी को लेकर अफवाह बताया। एनएच की सड़कों के लिए जो राज्य की सहभागिता के पैकेज पहले रुके हुए थे, हमारी सरकार उसको सुनिश्चित करने जा रही है और केंद्र राज्य मिलकर इसको शीघ्र सुधार, पूरा मुकम्मल सुधार। अधिकारियों ने क्लियरिफाई कर दिया है, अफवाह थी और आज के युग में अफवाहें बहुत जल्दी उठी भी, लेकिन चूंकि आज टेक्नोलॉजी का ऐसा युग है कि तुरंत 45 मिनट में अफवाहें खत्म हो गई और वहां फिर से मतदान ठीक से हुआ। दूसरी बात, बीजेपी विपक्ष इस समय इस चुनाव से रिंग से बाहर हो चुका है, इसलिए वो अपनी हताशा व्यक्त कर रहा है। और बीजेपी एक जिम्मेवार पार्टी है, बीजेपी हर कदम गंभीरता से, बीजेपी 4,12,00,000 से अधिक मतदाता जहां वोट दे रहे हैं उनके प्रति श्रद्धा रखती है, एक दृष्टिकोण लेके गंभीरता से चुनाव लड़ रही है, उद्देश्य पर चुनाव लड़ रही है कि हम जीतेंगे। यूपी के सिद्धार्थनगर से धर्मवीर गुप्ता की एक खास रिपोर्ट।